लोकसभा चुनाव तारीख का हुआ ऐलान। यूपी में 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक 7 चरणों में होगा मतदान। 4 जून को आएंगे लोकसभा चुनाव के नतीजे। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश में किस चरण में कहां पर मतदान होगा। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी, जिसमें 8 लोकसभा सीट पर मतदान होगा। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में वोटिंग होगी। दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को 8 सीट पर होगी। इसमें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में वोटिंग होगी। जबकि तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होगा और इस बार 10 सीट पर मतदान होगा। संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली में मतदान होगा। चौथा चरण का मतदान 13 मई को होगा और इसमें 13 सीट पर वोटिंग होगी। शाहजहांपुर, खीरी, धरोरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच में वोटिंग होगी। पांचवें चरण का मतदान 20 मई को होगा और इसमें 14 सीट पर वोटिंग होगी। मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, केसरगंज और गोंडा में वोटिंग होगा। छठे चरण का मतदान 25 मई को हो 14 सीट पर वोटिंग होगा। इसमें सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही में मतदान होगा। वहीं सातवें चरण का मतदान 1 जून को होगा और इसमें 13 सीट पर वोटिंग होगी। महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलीमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रावर्टगंज में वोटिंग होगी। यूपी में 7 चरणों में मतदान होगा। आपको बता दें कि चुनाव तारीख का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें यूपी में 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक 7 चरणों में मतदान होगा। 4 जून को चुनाव का नतीजा आएगा।